कभी सोचा है कि कुछ लोगों की इंस्टाग्राम रील्स हर बार वायरल कैसे होती है, उनके वीडियोस को थाउजेंड्स इवन मिलियंस ऑफ व्यूज कैसे मिलते हैं जबकि दूसरे स्ट्रगल करते हैं 100 व्यूज के लिए। वेल, आज मैं आपको उनका सीक्रेट रिवील करने वाला हूँ। मेरी अपनी 26 रील्स ने मोर देन 1 मिलियन व्यूज को गेन किया है और उसमें से हाईएस्ट वायरल रील को 17.1 मिलियन व्यूज मिला है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको इंस्टाग्राम रील्स पे वीडियोस को पोस्ट करना है, सिर्फ सही तरीके से नहीं बल्कि ऐसे तरीके से जिससे आपकी रीच मैक्सिमाइज हो जाए। हम डिटेल में जाएंगे मोबाइल वीडियो के शूटिंग और एक्सपोर्ट सेटिंग्स में, एक सीक्रेट कंटेंट स्ट्रेटजी एंड करेक्ट वे ऑफ यूजिंग हैशटैग्स एंड कीवर्ड्स। इस वीडियो के एंड में मैं आपको मेरा स्टेप बाय स्टेप गाइड बताऊंगा कि मैं मेरी रील्स में वीडियोस को कैसे अपलोड करता हूं। अगर आपको भी रील्स पोस्ट करना है लाइक अ प्रो तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। लेट्स गेट स्टार्टेड। हाई क्वालिटी रील्स को अपलोड करने के लिए आपको वीडियोस को शूट भी प्रॉपर सेटिंग से करना होगा। आपका कोई भी फोन हो, एंड्रॉइड या फिर iOS, जब आप वीडियोस को शूट करते हो स्पेशली फॉर रील्स, आपकी ये कैमरा सेटिंग्स होनी चाहिए 1080p 30fps। मैं पर्सनली मेरे 90% ऑफ द वीडियोस को यही सेटिंग्स में शूट करता हूँ फॉर रील्स। बट आप बोलोगे कि 4K में शूट करने से आपकी वीडियो की क्वालिटी बेटर होगी, राइट? यस, आप 4K में शूट तो कर सकते हो बट आपको उसे एडिट और एक्सपोर्ट करना होगा कोई थर्ड पार्टी ऐप से इन 1080p। Because Instagram की recommended resolution is 1080p 30fps. तो अगर आपने 4K में शूट भी किया, Instagram आपकी वीडियो क्वालिटी को कंप्रेस कर देगा इन 1080p. And in most cases वो compression बहुत खराब होता है। अगर आपको अपनी वीडियो को एडिटिंग में स्लो करना है, only then shoot in 60fps. वरना शूट इन 1080p 30fps for majority of your videos. अगर आप एक iPhone यूजर हो तो आपको अपने कैमरा सेटिंग्स में जाके रिकॉर्ड वीडियो को क्लिक करो और HDR को टर्न ऑफ कर दो। बिकॉज मैंने नोटिस किया है कि Instagram HDR videos को weirdly compress करता है। मैंने आपको main camera settings बता दी, but इसमें भी बहुत सारे different angles, perspective और techniques होती है to shoot creatively। और अगर आपको इस पे detailed video चाहिए on shooting reels cinematically and creatively, तो let me know in the comments, मैं इस पे in-depth video बना दूंगा। एक बार आपने video को अच्छे से shoot कर दिया, अब आते हैं इसके export settings में। अगर आपको Instagram reels को high quality में upload करना हो, तो आपके video की export settings भी accurate होनी चाहिए। अगर आप Instagram ऐप में ही एडिट करके अपलोड करते हो तो ये स्टेप आपके काम में नहीं आएगा। बट अगर आप कोई थर्ड पार्टी वीडियो एडिटिंग ऐप यूज करते हो लाइक VN वीडियो एडिटर और InShot, तो आपको अपने वीडियोस को ये सेटिंग्स में एक्सपोर्ट करना है। रेजोल्यूशन 1080p, FPS 30, बिटरेट 10-20 Mbps, फॉर्मेट .mp4। मैं यही सेटिंग्स में मेरी वीडियोस को एक्सपोर्ट करता हूं और मेरी रील्स की क्वालिटी आज तक कम नहीं हुई है। मैंने 4 वायरल और क्रिएटिव टाइप ऑफ रील्स को एडिट किया है इन VN वीडियो एडिटर और मैंने मेरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को रिवील किया है इस वीडियो में। मैं आई लिंक में डाल दूंगा, आप ये वीडियो के बाद देख सकते हो। जब भी आप अपने वीडियोस को पोस्ट करो इंस्टाग्राम पे, मेक श्योर आपका इंटरनेट कनेक्शन फास्ट हो वरना आपकी रील्स की क्वालिटी बिगड़ सकती है। उसके बाद भी एक सेटिंग होती है जो बहुत लोगों की बाय डिफॉल्ट ऑफ होती है, उसको ऑन कर दो। उस सेटिंग के लिए आप जब भी कोई रील को अपलोड करो, आपको एडवांस सेटिंग्स में जाना है, एकदम नीचे स्क्रॉल करो और अपलोड एट हाईएस्ट क्वालिटी को ऑन कर दो। ये आपको बस एक बार अपने सेटिंग्स में करना है, फिर हमेशा ये ऑन ही रहेगा। एक बार आपने शूटिंग और एक्सपोर्ट सेटिंग्स को जान लिया, अब बारी है हैशटैग्स की। 2023 में हैशटैग्स का उतना इंपॉर्टेंस रहा नहीं है। हैशटैग्स आपके कंटेंट को कैटेगराइज करता है जिससे वो इंस्टाग्राम एल्गोरिदम को हेल्प करता है टू शो योर कंटेंट टू रेलेवेंट यूजर्स। इंस्टाग्राम आपको 30 हैशटैग्स को यूज करने का ऑप्शन देता है, बट दैट डजंट मीन कि आप सारे 30 हैशटैग्स को यूज करो। आपको बस 3-8 हैशटैग्स को यूज करना है जो आपके कंटेंट और ऑडियंस से रेलेवेंट हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं मेरी इस ट्रैवल रील में 5 हैशटैग्स को यूज करूं तो वो ये होंगे: #मनाली, #सेथन, #हिमाचल। ये तीनों उस लोकेशन के हैशटैग्स हैं, बिकॉज ये रील वहां पे ही शूट हुई है। और 2 हैशटैग्स #reels एंड #reelsindia, ये कॉमन जनरल हैशटैग्स हैं। हैशटैग से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस 2023 में इस चीज को है, कीवर्ड्स। अगर आपको एक इफेक्टिव तरीका चाहिए टू ऑप्टिमाइज योर कंटेंट, ड्राइव मोर एंगेजमेंट एंड शो योर कंटेंट टू न्यू ऑडियंस, देन यूज कीवर्ड्स इन योर कैप्शन। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा पोस्ट इंडिया की डाइवर्सिटी पे है, मैं हैशटैग में इंडियन डाइवर्सिटी के बदले मैं उसको कैप्शन में लिखूंगा विद टारगेटेड कीवर्ड्स। मैंने मेरे रिसेंट कराउजल पोस्ट ग्रेडियंट्स ऑफ इंडिया के कैप्शन में ये सारे कीवर्ड्स को यूज किया है, लाइक इंडिया, डाइवर्सिटी, शेड, बिकॉज मैं ग्रेडियंट्स पे बात कर रहा था। और ये सेम चीज रील्स पे भी अप्लाई होती है। ऐसे आप जितना अपने कॉन्टेंट को
कीवर्ड्स में डिस्क्राइब करोगे उतना इंस्टाग्राम के लिए आसान हो जाएगा आपका कंटेंट एक्सप्लोर पेज में डालने के लिए उन इंटरेस्टेड यूजर्स को दिखाने के लिए। मैं सोच रहा हूँ टू स्टार्ट संडे शाउट आउट्स ऑन माई इंस्टाग्राम स्टोरीज, जिसमें आप में से कोई भी 3 अकाउंट्स को मैं शाउट आउट दूंगा हर संडे को मेरे पेज पे @worthashot। क्या मुझे ये स्टार्ट करना चाहिए? आपका इंस्टाग्राम अकाउंट मेरे कमेंट्स में लिखो। अगर मुझे आपका काम पसंद आया, मैं आप में से कोई भी 3 अकाउंट को शाउट आउट दूंगा इस संडे को मेरे पेज पे। आपने हैशटैग्स और कीवर्ड्स के बारे में तो समझ लिया, बट अगर आपको अपना रीच मैक्सिमाइज करना हो बाय अपलोडिंग रील्स, तो आपको फोकस करना है ऑन कंटेंट स्ट्रेटजी। इंस्टाग्राम पे ग्रो करना हो तो क्वांटिटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन क्वालिटी, एटलीस्ट इन द स्टार्ट। आपको डेली अपलोड करना पड़ेगा ऑन इंस्टाग्राम। इट कैन बी अ मिक्स ऑफ रील्स एंड कराउजल पोस्ट। आप कितना रियलिस्टिकली कंसिस्टेंट हो सकते हो रील्स को अपलोड करने के लिए, उस पे अपनी कंटेंट स्ट्रेटजी को बिल्ड करो। फॉर एग्जांपल, आप डेली रील्स को भी अपलोड कर सकते हो, जो मैं यूजुअली रेकमेंड नहीं करता। आप 5 times a week रील्स को अपलोड कर सकते हो, 4 times a week एक्सेट्रा। बट आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपको अपने कंटेंट स्ट्रेटजी में रील्स को एटलीस्ट 3 times a week तो अपलोड करना ही है, जिससे आपके अकाउंट का ग्रो होने का चांस बढ़ जाता है। ओके, ये तो पता चल गया कि कितनी बार रील्स को अपलोड करना है, बट अपलोड क्या करें? रील्स में 2 type के कंटेंट होते हैं। एक है फास्ट फूड कंटेंट, जिसको हम ट्रेंडिंग ऑडियो या फिर ट्रेंड्स इन जनरल बोल सकते हैं। दूसरा है होम कुक्ड मील्स, जिसको हम नॉन ट्रेंडिंग ऑडियो या फिर ओरिजिनल कंटेंट भी बोल सकते हैं। जैसे फास्ट फूड क्विक और इमीडिएटली सैटिस्फाइंग है, बट आप उस पे लॉन्ग टर्म रिलाय नहीं कर सकते। वैसे ही ट्रेंडिंग कंटेंट इज क्विक, फन एंड इजी टू कंज्यूम, जिससे आपका प्रोफाइल नए ऑडियंस को डिस्कवर हो सकता है। इससे आपको जल्दी व्यूज तो मिलेंगे, बट व्यूअर्स शायद आपसे कनेक्टेड ना हो। दूसरी तरफ होम कुक्ड मील्स, जो ओरिजिनल कंटेंट है, उसको शायद बनाने में टाइम ज्यादा लगे, बट वो काफी न्यूट्रिशियस होता है। ये एक फाउंडेशन बिल्ड करता है विद योर एग्जिस्टिंग ऑडियंस। इससे शायद आपको फास्ट व्यूज ना मिले, बट इससे आपकी ऑडियंस आपके साथ हमेशा कनेक्टेड रहेगी और आपके कंटेंट के साथ एंगेज करेगी इन द लॉन्ग रन। आपको दोनों चीजें करनी है, अ बैलेंस ऑफ फास्ट फूड एंड होम कुक्ड मील्स, अ बैलेंस ऑफ ट्रेंडिंग कंटेंट एंड ओरिजिनल कंटेंट। फॉर एग्जांपल, अगर आप 5 reels को अपलोड करते हो एक हफ्ते में, तो 3 या 4 ट्रेंडिंग ऑडियो पे बनाओ और 1 या 2 नॉन ट्रेंडिंग ऑडियो पे बनाओ। अगर आपके पास कंटेंट आइडियाज नहीं है, तो मैंने इस पे डिटेल वीडियो बनाया, गिविंग यू 50 different रील आइडियाज। मैं आई लिंक में डाल दूंगा, यू कैन चेक इट आउट लेटर। अब मैं आपको मेरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को रिवील करूंगा ऑन हाउ आई पोस्ट वीडियोस ऑन इंस्टाग्राम रील्स। मैं ट्रेंडिंग ऑडियो को यूजुअली पहले ही सेव कर देता हूं, और अगर आप कोई ऑडियो को यूज कर रहे हो, तो मेक श्योर आप इंस्टाग्राम ऐप से ही उस ट्रेंडिंग ऑडियो को यूज करो, जिससे आपकी रीच बहुत फास्ट होगी। मैं इंस्टाग्राम रील्स को ओपन करूंगा, आई टैप ऑन म्यूजिक, सेव्ड, आई यूज दिस ऑडियो, डन। अब मैं मेरी वीडियो क्लिप को ऐड करूंगा, जो मैंने पहले ही शूट, एडिट और एक्सपोर्ट कर दिया है। आई क्लिक ऑन ऐड, नेक्स्ट, एडिट कवर में जाऊंगा। मैं यही रील में से कोई भी एक फोटो को ऐड कर दूंगा। अभी मैं प्रोफाइल ग्रिड पे क्लिक करूंगा और मैं देखूंगा कौन सा बेटर रहेगा, मैं अलाइन करूंगा प्रॉपरली, डन। अब मैं कैप्शन, मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैं उसको पेस्ट कर दूंगा। ओके, मैं लोकेशन में डाल दूंगा इंडिया, बिकॉज ये इन जनरल इंडिया की रील है। फिर आपको जाना है एडवांस सेटिंग्स में, और मैं करूंगा ये रील को शेड्यूल वेंसडे 31st में शाम को 8 बजे, सेट टाइम, बैक जाऊंगा, कंटिन्यू शेड्यूलिंग, शेड्यूल। अब मेरी रील शेड्यूल हो गई। मैं इसी तरह मेरी सारी रील्स को अपलोड करता हूं। अगर आपने ये वीडियो यहां तक देख लिया, तो कमेंट करो वायरल रील्स, जिससे मुझे पता चले कि कितने लोगों ने ये वीडियो एंड तक देखा है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा, तो काइंडली लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस वंडरफुल कम्युनिटी। आपने रील्स को पोस्ट करना तो सीख लिया, बट क्या आपको पता है कि आप रील्स के बिना भी ग्रो कर सकते हो ऑन इंस्टाग्राम? मैंने मेरी 5 strategies को रिवील किया है इस वीडियो में, टू ग्रो योर इंस्टाग्राम अकाउंट विदाउट रील्स। क्लिक हियर टू वॉच। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।